उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड रिजल्ट आ चुके हैं इस बार फिर से उत्तर प्रदेश के छात्रों ने बेहतर अंकों से परीक्षाएं पास की हैं लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद उन कैदियों के बारे में जिन्होंने इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छे नंबरों से अच्छे अंक पा करके जो सफलता है वो हासिल की है क्या रोड मैप था कैसे उनकी पढ़ाई पूरी हुई और आगे क्या रणनीति रहेगी इसको लेकर के ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीजी जेल साहब आनंद कुमार जी सर बहुत बधाई पहले तो सबसे पहले क्योंकि आपके नेतृत्व में इतना अच्छा रिजल्ट जो है वो जेलों से आया जहाँ पर जो बंदी थे उन्होंने काफ़ी अच्छे नंबरों से परीक्षाएँ पास की हैं क्या कहना है इस पर और आगे की क्या रणनीति रहेगी देखिए बड़े हमारे लिए बहुत संतोष का विषय है कि हाई स्कूल में हमारे 119 में से 104 बंदी उत्तीर्ण हुए हैं और सतासी परसेंट हमारे सक्सेस का प्रतिशत है साथ ही साथ जो बंदी जिसने सबसे ज़्यादा मार्क्स हासिल किए हैं वो 76 परसेंट है वो गाज़ियाबाद का बंदी है इसी तरीके से इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में निन्यानवे बंदी उसने बंदियों ने उसमें प्रतिभाग किया सड़सठ बंदी उसमें उत्तीर्ण हुए हैं जो हाईएस्ट परसेंटेज है बहत्तर परसेंट है जो सहारनपुर के एक बंदी ने अर्जित किए हैं तो कुल मिला के सतासी परसेंट और अड़सठ परसेंट हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में हमारा सक्सेस रेट है जिसको हम और अच्छा करना चाहेंगे साथ ही साथ हमारी मंशा ये रहती है और कई सालों से ये परिपाटी चली आ रही है कि जेलों में माध्यमिक शिक्षा हो या इग्नू हो या अन्य किसी यूनिवर्सिटी या कोई और संस्था हो जिसके साथ हमारे एम हैं उसके माध्यम से एग्जाम के सेंटर्स जेल में बनाए जाते हैं जो हमारे जेलों पे जेल टीचर हैं उनका सक्रिय सहयोग और योगदान लिया जाता है साथ ही साथ जो हमारे जेल के अधिकारी कर्मचारी हैं उनमें से कई ऐसे हैं जो पढ़ाने लिख, पढ़ाई लिखाई में रुचि लेते हैं और वो भी अपना सक्रिय योगदान देते हैं और कुछ बंदी भी ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं जेल में किसी कारणवश आ गए हैं उनको भी हम मोटिवेट करके इस तंत्र से जोड़ते हैं तो कुल मिला के एक सामूहिक व्यवस्था ऐसी बनाई जाती है जहाँ बंदियों को एक माहौल पढ़ाई की तरफ हो हमारा टारगेट ये रहता है कि अगर निरक्षर बंदी अंगूठा लगा के जेल में आया है तो जाते समय साइन करके जाए ये तो बेसिक साक्षरता देने का हम प्रयास करते हैं और जो बंदी पढ़ा लिखा है उसको और आगे पढ़ने के लिए हम उसको सुविधाएँ दें इसी उद्देश्य से हम लोगों ने पिछले दो तीन सालों में प्रत्येक जेल में लाइब्रेरी बनाई है और लाइब्रेरी को अनेक किताबों से परिपूर्ण किया है जिसमें शासकीय धन और एन के माध्यम से भी उसको दिया गया है तो आज की डेट में हमारी जेल में लाइब्रेरी सारी जेलों में लाइब्रेरी है और बंदी भारी संख्या में उस लाइब्रेरी का सदुपयोग करते हैं अपना ज्ञान बढ़ाते हैं कुल मिला के लबोलवाब ये है कि हमारे हमारी हमारा आशय और हमारा जो एक लक्ष्य है वो ये है कि बंदियों को आपराधिक मानसिकता उनसे उनको दूर किया जाए उनको समाज में कैसे एसिमुलेट किया जा सके कैसे कौशल विकास के भी कार्यक्रम चला करके उनको कौशल दिया जा सके जैसे कि बाहर जा कर के रोजगार परक चीज़ों में अपने आप को वो सम्मिलित कर सकें समाज उनको एक्सेप्ट करे और बाकी वो एसिमिलेट हो जाए सोसाइटी में तो कुल मिला के आशय यही रहता है कि सुधार हो बंदियों के आपराधिकता खत्म हो और जाके समाज में वो आम नागरिक की तरह अपना जीवन यापन करें सर आप लोगों ने पर्यावरण से भी कैदियों को जोड़ा है आप लोगों ने योगा से भी कैदियों को जोड़ा है शिक्षा की बात की जाए तो इसको और बेहतर कैसे किया जाए क्योंकि अब जो बाकी की जो कैदी हैं उनके मन में भी आया होगा कि अगली बार जब परीक्षा हो तो इस जो जो रिजल्ट जेलों से आया इसे और बेहतर किया जाए तो शिक्षा के स्तर को और कैसे बेहतर किया जा सकता है या किया जाएगा आप लोगों की तरफ देखिए निश्चित तौर पर हमारा लगातार और निरंतर यह प्रयास रहता है कि बंदियों में शिक्षा का स्तर बढ़े पाँचवीं से आठवीं तक का जो क्लासेस होते हैं उसके भी हमारे यहाँ क्लास चलते हैं साथ ही साथ हाई स्कूल इंटरमीडिएट के साथ आपने रिजल्ट देख ही लिया है तो और कई एम हमने कर रखे हैं इग्नू के माध्यम से कई पाठ्यक्रम चलते हैं साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि कौशल विकास के अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं जिससे बंदी जो टेक्निकल एजुकेशन चाहते हैं वो भी उनको मिलती है सर्टिफिकेट कोर्स के माध्यम से उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है और जब वो बाहर जाते हैं तो उन सर्टिफिकेट्स के माध्यम से वो बाहर जा कर के अपराध न करके अपने आप को स्वावलंबी बना सकते हैं तो इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ कई एम करने के साथ कई यूनिवर्सिटी के साथ टाइप करके और कई ऐसी सामाजिक संस्थाएँ हैं उनके साथ हम लोग टाइप करते हैं जिससे कि बंदियों में साक्षरता बढ़े जो निरक्षर बंदी आते हैं उनमें इस बात की उत्सुकता रहे कि वो साक्षर हो जाएं, कम से कम अपनी ऑर्डर पढ़ सकें अपने लीगल राइट्स के अपने ह्यूमन राइट्स के बारे में सजग हो सकें सज� तो प्रयास यही रहता है तो सर उनकी सजाओं में भी किसी प्रकार का को कोई फर्क पड़ेगा या फिर आप लोगों की तरफ से कोई मुहिम ऐसी चलाई जा सकती है देखिए निश्चित तौर पे अगर बंदी जेल में रहते हुए अपने आचरण को ठीक रखता है तो हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो रिहाई नियमावली है जो नियम है उसकी परिधि में वो आ जाएगा जैसे अगर उदाहरण के तौर पर अगर लाइफ सेंटेंस है तो सोलह साल जेल का उसका मतलब जेल के एक्चुअल सजा और 20 साल रेमिशन मिला करके बंद प्रत्येक बंदी को एक रेमिशन मिलता है और रेमिशन का आधार उसका गुड कंडक्ट होता है तो उसके बाद उसकी एलिजिबिलिटी हो जाती है समय पूर्ण रिहाई की तो इस तरह की योजना हमारे जेलों में चल रही है और अब साल में दस ऐसे ओकेजन्स हैं जब बंदियों को इसकी सुविधा का लाभ दिया जाता है हमारी कोशिश है रहती कि अगर जेलों में कोई भी बंदी आ रहा है और वो अंगूठा लगाकर आ रहा है तो जब वो जेलों से जाए तो वो अपने हस्ताक्षर करके जाए मतलब कुल मिलाकर जेलों में शिक्षा के स्तर को बेहतर करने की पूरी कोशिश रही है और उसी का नतीजा यह है कि इस बार के यूपी बोर्ड के जो रिजल्ट आए वो जेलों में काफी बेहतर आए कैमरा पर्सन शुभम के साथ